मेरा नाम है मोहित और आज मैं आपको अपनी स्विफ्ट 2020 एलेक्सा वेरिएंट के बारे में बताने लगा हूँ, जिसको मैंने एलेक्सा सीवीएक्स से कन्वर्ट करवाया। इसकी मॉडिफिकेशन मैं शेयर करूँगा आपके साथ विद प्राइस। शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। इसमें मैंने आफ्टर मार्केट 8 टाइम रनिंग मैट्रिक्स DRL लगवाए हैं। इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए DRL से गाड़ी की लुक बहुत ही अच्छी बन जाती है, देख सकते हैं। जब हम पार्किंग में करते हैं तो ये मैट्रिक्स में रन करती हैं दोनों, आप देख सकते हैं। और जब हम इंडिकेटर देते हैं तो एक मैट्रिक्स पर रन करती है और सेकंड वाली वाइट में रहती है। ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी बहुत ही अच्छी है, जो कि आपकी गाड़ी को बहुत ही अच्छी बना देती है। इस DRL की कॉस्ट मुझे आफ्टर मार्केट 2400 विद इंस्टॉलेशन पड़ी है। इसमें मैंने आफ्टर मार्केट फॉग लैंप इंस्टॉल करवाए हैं, जिसकी कॉस्ट मुझे 1600 विद इंस्टॉलेशन पड़ी है। अगर यही आप कंपनी से लगवाते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको 3900 रुपीज़ पड़ेगी। इसमें मैंने साइड बीडिंग भी इंस्टॉल करवाई है। इस साइड बीडिंग की कॉस्ट मुझे आफ्टर मार्केट 400 रुपीज़ पड़ी है। अब मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। जैसे कि ये बेस LXi वेरिएंट है, इसमें 40 इंचज़ स्टील रिम ही आते हैं, व्हील कैप भी नहीं आते। व्हील कैप खुद इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। ये व्हील कैप मैंने कंपनी से लिए ब्लैक कलर के, जिसकी कॉस्ट मुझे 2000 रुपीज़ पड़ी है। और आप पीछे देख सकते हैं व्हील स्टील रिम भी ब्लैक हुआ पड़ा। ये मैंने खुद आफ्टर मार्केट करवाया, जिसकी कॉस्ट मुझे 200 रुपीज़ पड़ी है। और साथ में ये मैंने साइड बेडिंग भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई है, जिसकी कॉस्ट मुझे 750 रुपीज़ पड़ी है। ये मैंने डोर क्रोम हैंडल भी आफ्टर मार्केट लिया है, जिसकी कॉस्ट मुझे 700 रुपीज़ पड़ी है। और ये डोर वाइज़र भी मैंने आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल करवाया है, जिसकी कॉस्ट मुझे 500 रुपीज़ पड़ी है। अब मैं आपको गाड़ी की बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये क्रोम पट्टी मैंने कंपनी से लगवाई है, जिसकी कॉस्ट मुझे 750 रुपीज़ पड़ी है। और इसमें मैंने ये बैक कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है। इस HD कैमरे की कॉस्ट मुझे 2000 रुपीज़ आफ्टर मार्केट पड़ी है, विद 1 ईयर वारंटी के साथ। अब मैं आपको गाड़ी की इंटीरियर लुक दिखाता हूँ। ये मैंने स्विफ्ट बैजिंग की फुट स्टेप लगवाई है, जो कि मुझे आफ्टर मार्केट 400 रुपीज़ पड़ी है। और ये मैट मैंने कंपनी से ली है, इसकी कॉस्ट मुझे 1100 रुपीज़ पड़ी है। और इसमें मैंने फ्लोर मैटिंग भी करवाई है, जो कि हमारी गाड़ी को डस्ट से बचाती है, डस्ट नीचे नहीं जाती। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी गाड़ी लें फ्लोर मैटिंग ज़रूर करवाएँ। और इसकी कॉस्ट मुझे 2000 रुपीज़ आफ्टर मार्केट पड़ी है। और ये सीट कवर मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए हैं, जो कि मुझे 3000 रुपीज़ पड़े हैं। और इसमें मैंने ये आर्मरेस्ट भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है, जो कि मुझे 900 रुपीज़ का पड़ा है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये सीट कवर, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये बेस LXi वेरिएंट है, इसमें पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सेंटर लॉकिंग कुछ भी नहीं आता, सब खुद करवाना पड़ता है। ये मैंने पावर विंडो कंपनी से लगवाई है, जिसकी कॉस्ट मुझे 11500 रुपीज़ पड़ी है। और ये मैंने स्टेयरिंग कवर करवाया है, जिसकी कॉस्ट मुझे 250 रुपीज़ पड़ी है। और ये मैंने 10 इंच एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाया है, इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, यूट्यूब सब कुछ है। और इसकी टच बहुत ही अच्छी है। ये 10 इंची एंड्रॉयड स्टीरियो की कॉस्ट मुझे आफ्टर मार्केट 7500 रुपीज़ विद 1 ईयर वारंटी के साथ पड़ी है। और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और टच भी बहुत अच्छी है। और इसमें मैंने ये एक JBL के कंपोनेंट लगवाए हैं, जिसकी कॉस्ट मुझे 4500 रुपीज़ पड़ी है 4 डोर की। और अब मैं आपको इस म्यूजिक सिस्टम का डेमो दिखाता हूँ।
ये मैंने सेंटर लॉकिंग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई है, जो कि मुझे इसकी कॉस्ट 3000 रुपीज़ पड़ी विद 3 ईयर वारंटी के साथ। अगर यही आप कंपनी से लगवाते हो तो आपको इसकी कॉस्ट 9000 रुपीज़ पड़ेगी।